गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में पहले घर में हमारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहदिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन करेंगे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की कक्षा का टॉपिक, जो कि मैथ के वर्क एंड टाइम क्वेश्चन के डिपेंड आधारित है। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन देखिए, वर्क एंड टाइम में ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता यानी कि ए की जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, कैपेसिटी है, कितनी है अभी बी के कार्य करने की, बी के कार्य करने करने की क्षमता से तीन गुना है। कितनी है अभी? तीन गुना है। ए एक काम को पूरा करने के लिए ए बी से 60 दिन कम लेता है। तो बी अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? ऑप्शन देखिए, 80 दिन, 90 दिन, 75 दिन, 150 दिन। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि हमसे क्या कहा गया है। ए और बी जो है वो काम करते हैं, ए और बी जो बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इन ए और बी में जो ए है वो तीन गुना ज्यादा काम करता है, किससे? बी से। बी से तीन गुना ज्यादा काम करता है, ठीक है। अब एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी दोनों 60 दिन कम लेते हैं। ए जो है किसी काम को पूरा करने के लिए बी से 60 दिन कम लेता है, ठीक है, 60 दिन पहले काम करता है। तो आपको यह बताना है कि अगर ये काम बी को दिया जाए तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है। ध्यान रखिए, बी जो है तीन गुना कार्य क्षमता है उसकी, तीन गुना ए की कार्य क्षमता बी से ज्यादा है। ए की कार्य क्षमता बी से तीन गुना ज्यादा है। तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए। सबसे पहले मान लीजिए, माना ए, माना ए किसी काम को एक्स दिन में करता है। कितने में? एक्स दिन में करता है। मान लिया हमने कि ए जो है किसी काम को एक्स दिन में करता है, ठीक है। अब इससे आगे जब आप देखेंगे बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 3x, मीन्स 3x कार्य क्षमता है उसकी, तीन गुने कार्य क्षमता है इसकी बी की, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x हमें मालूम है,
बी की, और इससे कम है किसकी, ए की, एक्स की। तो 3x माइनस x, और ये जो है किसके बराबर है, 60 दिन में। क्यों? क्योंकि ये 60 कहां से आया, हमें ये बोल दिया कि तीन बंदे, दोनों बंदे जो है ए बी, ए देखिए क्या कहा गया, ए किसी कार्य, ए की कार्य जो है क्षमता वो तीन गुना है, ए का काम तीन गुना है ए की। अब ए और बी किसी काम को करते हैं, लेकिन ए जो है 60 दिन में उस काम को कम कर का उस दिन में काम कर लेता है, काम कर लेता है, ठीक है। अब तीन गुना क्षमता है, और बी अगर बी को काम दिया जाए तो अकेला कितने दिन में करेगा। माना ए की कार्य क्षमता एक्स, बी की होगी कितनी, 3x। अभी 3x माइनस मतलब बी की कार्य क्षमता जो तिगनी है, ए कर रहा है इसको कंप्लीट, क्योंकि उसकी पावर कार्य क्षमता तीन गुना है, माइनस एक्स, ठीक है, ये बी की होगी, कितना है 60 डेज या 60 दिन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3x में से x गया तो कितना हो जाएगा, 2x मींस 60, ठीक है। x की अगर आप निकालोगे तो 60/2=30, ये तो निकल आई किसकी, x की। x क्या माना था, एक काम को करता है कितने दिन में, x दिन में, मींस एक काम को करेगा 30 दिन में, एक काम को करेगा 30 दिन में। अब b की हमने मानी थी क्या, 3x, तो b की हमने क्या मानी थी, b का क्या था, 3x means 3 × x कितना है आपका, 30 means 390। तो b जो है उस काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है, 90 दिन में कर सकता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, यदि ए बी तथा सी मिलकर, कितने कैंडिडेट हो गए, 3, ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। ए अकेला उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है, तथा बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है, वह 12 दिन में कर सकता है। अब बताना है आपको, तो सी, अगर सी अकेले को काम दिया जाए, अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके 10, 11, 12, 4, 9। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी जो है किसी काम को मिलके 4 दिन में कर रहे, 3 कैंडिडेट ए बी और सी, ये तीनों मिलके किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, ओके। आप ए अकेला उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तथा बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अब ये जो अकेले 18 और 12 दिन में कर रहे हैं, वैसे ही अगर सी को काम दिया जाए तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में
करेगा, ये आपको जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना है भी? ए का एक दिन का काम कहाँ है? ए को देखते हैं, ए को ए अकेला 18 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/18, 1/18 हो गया। वैसे बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, बी के एक दिन को काम देखोगे आप तो बी जैसे 18 दिन में कर रहा है ना, बी इसको 12 दिन में कर रहा है, तो बी का एक दिन का काम 1/12 हो जाता है, 1/12 आ जाता है। अब एक कंडीशन और दी है कि ये तो इन दोनों का एक एक दिन का काम हो गया, लेकिन यहाँ पे ये भी बात भी कह रहा है कि तीनों मिलके ए और बी प्लस सी तीनों मिलके 4 दिन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, तीनों ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं कितने दिन में? 4, कितने दिन में? 4 दिन में, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, का एक दिन का काम कितना हो गया बेटा? एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है। जैसे इनका एक एक का 18/12 निकला 1/12, वैसे ही इन दिनों का 1/4 जो है निकल जाएगा। अब हम देखते हैं कि 1/4 जो काम है सी का पेंडिंग है, ठीक है, तो सी का 1/4। अब इस काम को देखें, ये इसमें से इस पेंडिंग काम में से हमें घटाना पड़ेगा जो काम ए और बी कर चुके हैं। तो ए ने कितना किया है, कर सकता है अभी 1/18 माइनस, ठीक है, बी कितना कर सकता है उसको 1/12। ये आपका ऑप्शन सॉल्यूशन यहां तक आ जाता है। इसको करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मालूम है 1/4 माइनस, ब्रैकेट को हटा दो चाहे आप, क्योंकि आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 1/18 माइनस, या फिर आप एक काम करो इस पोर्शन को सॉल्व करो ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट वाले को पोर्शन को सॉल्व करने के लिए हमने 12 और 18 का एलसीएम लिया, मींस एलसीएम लॉस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। तो लॉस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन मींस जो 18 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है, तो मींस 18 2 36 और 12 3 36, तो एलसीएम आपका यहाँ पे आ जाता है कितना बेटा? 36। जब आपने यूनिट 12 से डिवाइड किया 2 18 से, 2 आ गया, 2 1 2 आपका आ जाता है। माइनस इसको सॉल्व किया 3 आ जाता है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 माइनस से इसको सॉल्व करोगे 3, तो -3 आ जाएगा, ठीक है। अब 1/4 माइनस इज इक्वल टू, अब आपने इसको देखा तो माइनस, जब आपने धन किए इस सिंबल को जब आपने सॉल्व किया तो माइनस माइनस किसका हो गया? ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब इस पोर्शन को सॉल्व किया तो 2 और 3 आपका 5/36 से आ जाता है, मींस ब्रैकेट वाले पोर्शन का आ गया। अब -1/4 -5/36 जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 9, 4 और 36 का आप एलसीएम देखेंगे तो 36 आ जाता है। इसको आपने 4 से किया डिवाइड तो 9 आ गया, और 9 1 9 आ जाता है। वैसे ही इसको जब सॉल्व किया तो 36 से, तो 36 1 36 और 5 1 5, मीन्स 9 में से 4 गया, तो आपका आंसर कितना आ जाता है यहाँ पे 4/36। आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 1/9 जो है आपका आ जाता है। तो 9 वाला जो आंसर है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो आप बता सकते हो कि सी जो है वो मिलकर, सी जो अकेला है वो काम को कर सकता है कितने दिन में? 9 दिन में काम कर सकता है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो।
अगली कक्षा में मैं आपके लिए कुछ और ऐसी वर्क एग्जिस्टेंस के लेके आएंगे अभ्यास के लिए, ताकि आप भविष्य के लिए अच्छी तरीके से तैयारी कर सको। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।